शुरू करते हैं पर ये कि मैं जी पढ़ूं सर, प्रेसिडेंट। जैसा देखे सर। चलिए, भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, आप लोग जानते हैं। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के तहत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जो कि राष्ट्रपति के कार्य भी होता है। ठीक है, इस शक्ति का प्रयोग वो संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदन में राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, मनोमित नहीं, निर्वाचित सदस्य, ठीक है, साथ में विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होंगे। 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 1/6/1995 से प्रभावी द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जम्मू कश्मीर और संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल नहीं किया गया, ठीक है, नहीं किया गया, ठीक है। हालांकि जम्मू कश्मीर राज्य के रूप में उनकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल थे। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य एवं विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, मनोनीत भी नहीं लेते हैं, विधान परिषद के सदस्य भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। साथ में अनुच्छेद 53(3) के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के द्वारा होता है। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच में फैसले उच्चतम न्यायालय में होते हैं तथा उसका फैसला अंतिम होता है, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव को इस प्रकार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं है। अर्हताएं में क्या क्या, मतलब शर्तें क्या है? तो सबसे पहला शर्त तो भारत का नागरिक होना, 35 वर्ष की आयु को पूरा कर लिया, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता बताई गई है, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार को कम से कम 50 प्रस्तावों का 50 क्या होना चाहिए, अनुमोदक होना चाहिए, ठीक है, ध्यान में रखना। आप चलते भारत के राष्ट्रपति का कुछ नाम। तो सबसे पहले भारत के जो राष्ट्रपति बने, हमारे ग्रेट बिहार के गांधी डॉक्टर राजेंद्र बाबू थे। 26 जनवरी 1950 से लेके 13 मई 1962 तक मतलब क्या थे, ये मतलब क्या रहे थे, भारत के राष्ट्रपति रहे थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बात करेंगे व्यक्ति के अनुसार इनका क्रम कौन सा है। एक ये पहला हो जाएगा, लेकिन ये 12 वर्षों तक राष्ट्रपति भी रहे थे, इसीलिए इनका, ठीक है, कार्यालय के अनुसार 1 से लेकर 3 तक इसका क्रम है। कितना क्रम है, अगर टोटल ओवर बात करें तो ऐसे कार्यालय के अनुसार तो 16 राष्ट्रपति, ठीक है, ऐसे व्यक्ति के हिसाब से 14 राष्ट्रपति आपको, सॉरी कार्यालय के हिसाब से 17, ठीक है, व्यक्ति के राष्ट्रपाल के हिसाब से हिसाब से। 15 राष्ट्रपति आपको दिखेंगे, ठीक है। दूसरे हाँ, राष्ट्रपति मैं और भारत के पढ़ा प्रथम था। उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन 62 से लेकर 70 तक रहते, जो दार्शनिक राजा कहते थे। क्या कहते थे इनको, दार्शनिक राजा। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, ठीक है, 67 से लेकर 69 तक, ठीक है, ध्यान में आपको। उसके बाद बराह बेकंठ गिरी, ठीक है, कार्यवाहक बनते हैं, ठीक है, 69 से लेकर 69 में ही गिरी रहते, थोड़ा बीबी गिरी। ये बात, ये हाँ भी, ये पहले ऐसे राष्ट्रपति बने जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्ला, ये भी मतलब कार्यवाहक। उसके बाद फिर से बारहगिरी बेकंठगिरी बनते हैं, ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद, इनके समय में देश में इमरजेंसी भी लगा। बीबी जित्ती की बात करें, ये भी कार्यवाहक पर। नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि पहले स्पीकर थे। ज्ञानी जल सिंह की बात करें, इनका प्रथम सिख राष्ट्रपति थे, इनके समय में सिख दंगा हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेगा। ये पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, ठीक है। आर बेकंठ रमन की बात करेंगे, 87 से लेकर 92 तक रहे थे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा पहले दलित राष्ट्रपति, ठीक है, नहीं, सॉरी, के आर नारायण पहले दलित राष्ट्रपति, मिस्टेक, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम की बात करेंगे तो वैज्ञानिक राष्ट्रपति, ठीक है। प्रतिभा पाटिल की बात करेंगे तो एक ऐसी राष्ट्रपति जो कि प्रथम महिला थी, ठीक है। प्रणब मुखर्जी की बात करेंगे, कैबिनेट स्तर पे काम करने का दर्जा प्राप्त था, ठीक है। भारत के बात करेंगे तो विदेश मंत्री भी रह चुके थे। और कौन सा मंत्रालय, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, वित्त ये मंत्री भी रहे, विदेश मंत्री वित्त भी। रामनाथ कोविंद की बात मंत्री करेंगे तो बिहार के राज्यपाल थे, ठीक है, ये भी दलित राष्ट्रपति ही थे, ठीक है। तो ये मतलब 2017 में बने थे, ठीक है। आप चलते हैं, राष्ट्रपति के लिए कुछ चीजें और भी है, जैसे जमानत राशि के रूप में बात करें, 15,000 रुपया जमा करना होता है। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मत का 1/6 प्राप्त करने में समर्थ आता तो जमानत राशि जब्त की ला जाती है। जमानत राशि किसके पास जमा होता है, निराशन आयोग वाचन आयोग बहुत सर। सुंदर, वेरी गुड, ठीक है, आरबीआई के पास जमा होता है। कहाँ पे जमा होता है, आरबीआई के पास जमा होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। RBI के पास होता है सर। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि, पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक उल्लेख है। अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है, ठीक है, जिसकी खबर किसे होना चाहिए, लोकसभा स्पीकर को होना चाहिए। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसे देते हैं, तो लोकसभा स्पीकर को तुरंत दे देते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 56(2) में, ठीक है, भारतीय संविधान के का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद, 56(2) के तहत मतलब क्या होगा, ठीक है, तो 56(2) के तहत लोकसभा उपराष्ट्रपति की स्पीकर सूचना को लोकसभा अध्यक्ष को उपराष्ट्रपति खबर दे इस्तीफा देंगे से भाई साहब राष्ट्रपति ने स्पीकर मतलब सब क्या दे दे, इस्तीफा दे दे दिया है, ठीक है। दिया। 57 राष्ट्रपति के लिए किसी व्यक्ति का पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है, ठीक है। 82 संविधान संशोधन 1976 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक निर्वाचन में जनसंख्या से तात्पर्य वर्ष 1971 की जनगणना द्वारा निर्धारित जनसंख्या, अभी भी जो चुनाव जो देश में होता है 1971 की जनगणना के हिसाब से ही होती है, ठीक है। 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा इसे 2026 के पश्चात पहली जनगणना का सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक निर्धारित किया गया, ठीक है। तो ये आपका 2026 में मतलब परिसीमन जो आएगा ना,
उसके बाद चेंज होगा। चौथा संविधान संशोधन अध्ययन 2001 द्वारा इसे 2026 के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक के निर्धारित किया गया, ठीक है। जब तक नहीं हो जाता तब तक 1971 से ही चलेगा, ठीक है। अभी भारत का जो सीट वगैरह जो देखते हैं ना, लोकसभा राज्यसभा में 1971 के जनगणना के अनुसार से ही वो सीटें हैं, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। उसके अनुच्छेद 59 के क के अनुसार यदि संसद किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता तो ये समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद के ग्रहण तारीख से मतलब रिक्त हो गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 60 की बात करेंगे तो राष्ट्रपति का शपथ है, इसमें शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप वर्णित है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे। उनके अनुपस्थिति अगर रहेंगे तो उच्चतम न्यायालय के मतलब कोई वरिष्ठ मतलब न्यायाधीश दिलाता है। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रतिमाह है। राष्ट्रपति का वेतन भारत का मतलब संचित निधि से दिया जाता है, किसे दिया जाता है, तो संचित निधि से दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, संचित निधि से, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 56 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर एकमात्र कारण होगा, संविधान का अतिक्रमण करना। इसी के आधार पर राष्ट्रपति के ऊपर क्या लगेगा, महाभियोग लगेगा, ठीक है। अनुच्छेद 161 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट की प्रक्रिया का उल्लेख है। अनुच्छेद 161 के 2 के अनुसार महाभियोग का आरोप तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक ऐसा आरोप लगाने की, ठीक है, प्रस्थापना किसी ऐसे संकल्प से अंतर्विष्ट नहीं हो जो कम से कम 14 दिनों तक ऐसी लिखित सूचना दिए जाने के पश्चात प्रकाशित किया होगा। मतलब जो अगर महाभियोग लगाएंगे तो इसकी सूचना राष्ट्रपति जी को मतलब कब देनी पड़ेगी, तो आपको 14 दिन पूर्व 14 देनी दिन पड़ेगी, पहले ठीक है। हाँ, इस प्रकार 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ ही संकल्प पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर, इंपोर्टेंट है, सदन के कुल संख्या के कितने का हस्ताक्षर, 1/4 का हस्ताक्षर होना चाहिए। लेकिन पासिंग करने के लिए तरीका अलग होगा, आप लगाएंगे इसी के लिए कितने सदस्यों की अनुमति होनी चाहिए, सदन का 1/4, ठीक है, जिस भी सदन में लेकर वंडरफुल। आओ, राज्यसभा में लोकसभा में कहीं भी लेकर आओ, उसका 1/4 होना चाहिए, ठीक है। तथा उस सदन की कुल सदस्य की संख्या कम से कम 2/3 से बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित होना चाहिए, ठीक है। लगाने के लिए 1/4, ठीक है, लगाने के लिए 1/4 है। जब 1/4 से प्रस्ताव को पारित कर देंगे तो उसको पास करने के लिए उस सदन का 2/3, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, 2/3। अनुच्छेद 62 के अनुसार यदि राष्ट्रपति पद की रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई तो पद की रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने के तारीख तक पश्चात यथाशीघ्र प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने के 72 मतलब चुनाव हो जाना चाहिए, ठीक है। मतलब एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करेंगे लेकिन मैक्सिमम कितने दिनों तक, 6 माह तक, 6 माह के अंदर में चुनाव होना चाहिए, ठीक है। यदि मृत्यु त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा, ठीक है। अगर फिर उपराष्ट्रपति भी अगर नहीं होता है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है उसके न रहने पर वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यो का संपादन करेगा। अनुच्छेद 77 के अंदर भारत के सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। किसके नाम से किए जाते हैं, जैसे कोई भी नियुक्ति हो, युद्ध को रोकना हो, युद्ध को शुरू करना हो, तो सारे के सारे मतलब राष्ट्रपति के आदेश से होगा, ठीक है। किसने, तो आर्टिकल 77 अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए मतलब क्या संबंध में किसका कर्तव्य वर्णित है, तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य वर्णित है। मतलब सारे कार्यों की जानकारी मतलब किसे देंगे, राष्ट्रपति को देंगे, ठीक है। 86 में बात करेंगे तो संसद के सदनों के अभिभाषण और उनके संदेशों को भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार वर्णित है। अनुच्छेद 87(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ तथा प्रत्येक वर्ष के सत्र प्रथम सत्र के आरंभ के साथ, ठीक है, समवेत सदन के दोनों सदनों में अभिभाषण देता है। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण की बात करें कब दिया होगा, तो अनुच्छेद 87(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र, ठीक है, जितना भी आम चुनाव होगा ना उसका जो प्रथम सत्र जो होगा, तो प्रथम जो पहला सत्र होगा उसमें मतलब क्या करेंगे, भाषण देंगे। अब प्रत्येक वर्ष के जो प्रथम सत्र होगा उसमें भी, जैसे मान लीजिए अभी कौन सा आम चुनाव, कौन सा भी लोकसभा चल रहा है, कितने नंबर का लोकसभा है अभी, 17वां तो 17वां लोकसभा जो होगा तो उसे नवीन संसद जो बनकर आएगा उनको संबोधित करेंगे 87(1) के अनुसार। या फिर मान लीजिए 1 साल पूरा होगा लोकसभा, दूसरा साल चलेगा तो भी आएंगे, ठीक है, तीसरा साल में भी आएंगे, चौथा साल में भी आएंगे, ठीक है, संबोधन करने के लिए, ठीक है। किसमें, किस आर्टिकल्स में है, 87(1) अब बहुत सुंदर, राष्ट्रपति का जो अभिभाषण को कौन तैयार करेगा, संसद सर, संसद नहीं मंत्रिमंडल, ठीक है, कौन तैयार करेगा, संसद क्यों करेगा, मंत्रिमंडल केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है, ठीक है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत प्रावधान है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा विधेयक पारित कर स्वीकृति प्रदान करेगा, अपनी स्वीकृति को रोक भी सकता है, अथवा धन विधेयक के अलावा, धन विधायक को नहीं लौटा सकता क्योंकि उसके पूर्व अनुमति होती है, ठीक है।
पुनः विचार है तो सदन को लौटा सकेगा, ठीक है। धन विधेयक के अलावा, धन विधेयक को नहीं, यदि धन यदि विधेयकों को सदन द्वारा संशोधन सहित उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता तो राष्ट्रपति के सक्षम पुनः मतलब प्रस्तुत किया जाता तो राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति नहीं रोकेगा, दे देगा, ठीक है। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनः विचार हेतु नहीं लौटा सकता, वस्तुतः धन विधेयक सदन में राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए नहीं लौटा सकता, ठीक है। राष्ट्रपति स्वीकृति के बाद ही विधेयक कानून बन पाते हैं। अनुच्छेद 1, 2, 3 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है। अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त, तो भारत के राष्ट्रपति को 72 के तहत तो राज्यपाल को किस आर्टिकल में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? 161। वेरी गुड, ठीक है, 161 में है, ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के परामर्श का अधिकार है, लेकिन वो मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। बिना मांगे हुए दे भी नहीं सकता है, ठीक है, लेकिन मानने के लिए बाध्य भी नहीं है। अनुच्छेद 53(2) के तहत भारत का राष्ट्रपति तीनों सेना, थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना का प्रधान सेनापति होगा, ठीक है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र के नेतृत्व नहीं करता, ठीक है। प्रतिनिधित्व करता है लेकिन नेतृत्व नहीं करता, ठीक है। किसी भौगोलिक क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का या संवैधानिक अधिकार का, ठीक है, ये राइट जो है राष्ट्रपति को है, ठीक है, ध्यान रखें। हालांकि अब तो स्टेट को भी दे दिया गया ओबीसी को लेकर, लेकिन पहले वो भी मतलब राष्ट्रपति के पास ही हुआ करता था, ठीक है। चलिए, आप इसको प्रश्न को कीजिए। जी सर, निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है? तो भारत का राष्ट्रपति, भारत एक गणराज है, और भारत का राष्ट्र अध्यक्ष निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत, इसलिए भारतीय गणतंत्र का प्रमुख या राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जो जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। दूसरा, भारत के नहीं, राष्ट्रपति का सेम है, पद, जी दोनों के सर, दोनों ये गलत है। ब्रिटिश, हाँ दोनों गलत है ना सर, क्योंकि वंशानुगत है ना आंसर ब्रिटिश कहाँ में। भारत के राष्ट्रपति के पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है? नहीं, आंसर है? यही दिया आंसर है है, सी। नहीं सर, आंसर सी दिया। हाँ, आर सही, आर गलत है, ए सही है। कैसे ऐसा ही है? भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न नहीं है। अच्छा, पावर में, दोनों सॉरी गलत। सॉरी, ठीक है, वंशागुणत वाला वो कंडीशन ठीक है, पावर में एक जैसा मतलब उसी की प्रकृति का है, ठीक है, दोनों नाम मात्र का है, ठीक है। देखिए, भिन्न कैसे है, तो यहाँ के राष्ट्रपति क्या होते, चुने जाते हैं, और वो मतलब क्या, तो वंशागुणत होते, ठीक है, ठीक है, लेकिन पावर को यूज करने में दोनों सेम ही है, ठीक है। राष्ट्रपति जो ब्रिटिश राजा जो होता उसी की तरह यहाँ का राष्ट्रपति का पावर यहाँ होता है, का ठीक भी है। राष्ट्रपति ये होता है। वंशागुणत का हाँ कॉन्सेप्ट घुसाया होगा, ठीक है, पक्का वंशागुणत का कॉन्सेप्ट घुसाया, ठीक है, ठीक है, अच्छा, चलिए। दोनों भिन्न है, लेकिन यहाँ पे तो कह रहा था ना। अच्छा, भिन्न है, हाँ, भिन्न है, बोले ना, वंशागुणत का कॉन्सेप्ट घुसाएगा। वही तो हमको चलिए, आ भी गया, सर। कथन कर रहा है, संघीय कार्यपालिका का प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होता है। बिल्कुल, ठीक है, राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। सीमा तो ऐसा है, बात थोड़ी सब ना, कुछ है, सब हर कुछ तो का सीमा सीमा। होता, हाँ, जब सीमा हर नहीं कुछ का रहेगा तो सीमा कुछ भी होता। मनमानी कर देगा सर। जी सर, 74(1) के तहत राष्ट्रपति अपने कृतियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। सब पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो पाबंदी लगाएगा, तभी तो उसकी शक्ति सीमित होगी सर। बिल्कुल असीमित बिल्कुल, बहुत शक्ति मिल पाबंदी रही है तब राष्ट्रपति तो पे, फिर, तब तो बहुत ज्यादा एक बार दिक्कत बिल हो लौटाए दूसरा बार भेज देंगे तो फिर वो नहीं लौटा पाएंगे, तो क्या करके। जी सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा? सीधे तो नहीं अनुच्छेद करते, बावन अपने में कहा अधीनस्थ गया, अधिकारियों के माध्यम से करते हैं, ठीक है। सीधे भी कर सकते हैं सर, सीधे भी कर सकते हैं। सीधे या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों, ठीक है, हाँ, दोनों सही, ठीक। दोनों दोनों तरीके से कर सकते हैं। सीधे जैसे अनुच्छेद 52 के तहत है, और अनुच्छेद 53(1) के तहत है, जो आपको अपने अधीनस्थ अधिकारियों के तहत करेगा, के द्वारा करवाएगा। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक में के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी? अनुच्छेद 53 में। भारतीय संविधान की समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति में। 9वां नंबर कितना नंबर क्वेश्चन में है, चली गई, कथन, कितना नौवां नंबर, सर, एक नौवां सर, मिनट, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? भारत के राष्ट्रपति में। बिल्कुल,
नौमा है, कथन कह रहा है संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित है। दूसरा कह रहा है कारण इसका कह रहा है कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित। व्यवसाय क्यों चलाएगा भाई, पहला ही सही होना चाहिए, आई थिंक सिर्फ ये होना चाहिए। ठीक है, क्या दिया आंसर? आंसर बी दिया है सर, दोनों सही है ए क्या? आर आर दोनों सही है, लेकिन आर स्पष्टीकरण नहीं है। सरकार का व्यवसाय चलाना यानी कि क्या हुआ, कानून बनाने के कार्यपालिका लिए, से सरकार का कानून का व्यवसाय पालन चलाने से करवाना है ना। संबंधित है। ये देखिए लगता है ना विधायिका ट्रांसलेट कानून उल्टा सीधा हो बनाएगी, गया है। ट्रांसलेशन को लेकर उल्टा सीधा हुआ, सोल्यूशन पर ही समझ में आ जाएगा, प्रश्नगत कथन एवं कारण दोनों दिया ही सत्य है, नहीं परंतु कारण कथन का उचित स्पष्टीकरण नहीं है। है। गायब कर दिया सर। चलिए छोड़िए, इसको याद रखिए, दोनों सही है। यहाँ व्यवसाय चलाने से हमको लगता है ना कानून का पालन करवाने से है, आई थिंक है ना सर, बिल्कुल तभी होगा, तभी सही होगा, एग्जीक्यूट तो वही करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन कह रहा है रक्षा बलों का सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित है। कारण कह रहा है प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं। तो ऑप्शन सी है, ए सही है लेकिन आर गलत, वही हमको लग रहा था। ए तो सही है कि रक्षा बलों का सर्वोच्च कमान तो प्रधानमंत्री होता है अनुच्छेद 53 के 2 के तहत, ठीक है, सुप्रीम कमांड होगा राष्ट्रपति में, परंतु प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होने की बात कही गई है, ना कि प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है। यानी ऐसा नहीं है कि अगर सर्वोच्च सेना का कमांडर है तो सब कुछ कर सकता है या सब कुछ करवा सकता है, उस पे भी नियंत्रण है, विधायी तरह का नियंत्रण है, ये कहना चाह रहे सर। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, किसके लिए कहा गया है उक्ति? तो राष्ट्रपति के लिए, क्योंकि ये मतलब इसके लिए प्रेसिडेंट के लिए। जी सर, समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित है परंतु वह शासन का मात्र औपचारिक प्रमुख होता है, वास्तविक नहीं होता सर, वास्तविक रूप से बिल्कुल प्रधानमंत्री होता है, इसीलिए ऐसा कहा गया है। क्या कहा गया है कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो अप्रत्यक्ष मतदान, एकल अप्रत्यक्ष मतदान के संक्रमणीय द्वारा, तिरपन मत प्रणाली द्वारा, जी सर, के अनुच्छेद पचपन चौवन के के तहत, तीन हाँ निर्वाचक पचपन के मंडल है, तीन के चौवन तहत में, पचपन के निर्वाचन तीन होगा, में, जी सर, चौवन में अनिर्वाचक निर्वाचक मंडल मंडल है। होगा आपको 54 में, बिल्कुल जी। नेक्स्ट। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, बिल्कुल। एक कारण कह रहा है कि एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों, राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है। आई थिंक दोनों भारत सही का है ना। राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन चुना जाता है, ठीक है। एक निर्वाचक हाँ मंडल व्यवस्था जो संसद के दोनों से राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित तो है, ठीक जी सर, है, दोनों सही है। दोनों सही। और नेक्स्ट साथ में क्वेश्चन है, बात करें भारत, केंद्र शासित प्रदेश में दो राज्यों का, ठीक है, कौन कौन से राज्य का? दिल्ली और पुदुचेरी, दिल्ली पुदुचेरी, ठीक है। कब तक चलेगा? जब तक है जान, ठीक है। जिनको नींद आ रहा सो जाइए, वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, 14 नंबर। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरणीय मत एकल प्रणाली द्वारा और संक्रमणीय मत प्रणाली राष्ट्रपति, के द्वारा, ठीक है, अनुपातिक हाँ मत प्रणाली के द्वारा, मत दोनों होते हैं, प्रणाली द्वारा, ठीक है। जी सर। चलिए राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं सदन के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल। राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदन, विधान मंडल इसमें नहीं आएगा। राज्य सभी राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य आएंगे और दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य आएंगे, दोनों जो भी सदनों का नहीं राष्ट्रपति होगा, होंगे। दोनों सदनों का विधान परिषद हो जी गया, इसमें तो परिषद भी आ गया ना, परिषद थोड़ी ना शामिल होता है, ये तो गलत हो जाएगा। संसद के दोनों सदन निर्वाचित, राज्य राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित, दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है। लेकिन जेके का नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जी जेके जमा का कर रहे नहीं है, ठीक हैं, है। कब दिया गया? तो 1992 द्वारा दिया गया था, ठीक है, दिल्ली के 70 सदस्यों का, दिल्ली और पुडुचेरी। पुडुचेरी में कितना तो सदस्य है? कौन सर? दिल्ली तो 69वां संविधान संशोधन है ना, तो पावर उसको थोड़ी ना पुडु दिया गया था, ठीक है, सत्तरवां द्वारा पावर कौन दिया था? 69वां संविधान संशोधन दिल्ली का, तो क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एनसीआर का दर्जा दिया गया था, एनसीआर का दर्जा, वोट में जी पार्टिसिपेट करने का 1992, तो ठीक तो है। चलिए
जी, चलो पढ़िए। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन दो केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार है वो दिल्ली और पुदुचेरी है। दिल्ली और पुदुचेरी। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है, तो विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित नहीं होंगे, बाकी सबके निर्वाचित सदस्य होंगे, आ लोकसभा, गया। राज्यसभा और राज्य विधानसभा का। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य है? ठीक है, तो संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य नहीं होंगे, निर्वाचित सदस्य होंगे, पहला ही गलत हो गया। दूसरा कह रहा राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी निर्वाचित सदस्य, हाँ निर्वाचित सदस्य होगा बिल्कुल। संघ राज क्षेत्रों के विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, संघ राज क्षेत्रों में तो सिर्फ दिल्ली और पुदुचेरी ना आएगा सर, क्या बाकी बोला? तो संसद विधानसभा है ही नहीं। संघ राज क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित दोनों सदस्य, सदनों के सभी सदस्य थोड़ी ना होगा, वही तो, सभी सभी सदस्य नहीं निर्वाचित होगा, ये सही निर्वाचित है। संघ सदस्य होगा तो पहला तो गलत हो गया ना, दूसरा सही हो गया, तीसरा राज भी क्षेत्रों के शायद सही, विधानसभा में सही, ये ठीक है। दुआ हाँ तीन तीसरा सही भी है। सही, हाँ तीसरा भी सही है। सभी राज्यपाल और उपराज्यपाल, राज्यपाल उपराज्यपाल कहला रहेगा, ये नहीं ध्यान रहेगा, तो दिया दो है, और तीन सही है, स्टार क्यों आ रहा है? वही तो हमको नहीं समझ में आया, तो बी आना चाहिए आंसर, हमको लगता तो चार भी ले लिया क्या सर, तभी वो थोड़ी ना तो राज्यपाल उपराज्यपाल थोड़ी ना शामिल होते। वो सब तो नहीं रहता है इसमें निर्वाचक गण में। राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित, संघ राज्य क्षेत्रों के निर्वाचित शासित प्रदेश के विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ठीक तो है ये? हाँ, पता नहीं क्यों दिया, जहां पर विधानसभा होगा वहां पर पार्टिसिपेट करेगा ही। चले ठीक है, स्किप कीजिए। जी सर, 19 नंबर सॉरी सर। पढ़िए। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति बिल्कुल। के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं, फिर वही क्वेश्चन पूछा है जिसमें एक दो तीन हो जाएगा, लोकसभा के चुने हुए सदस्य निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट। है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है संसद एवं राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, लेकिन इसमें यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पुदुचेरी भी आता है, इसलिए इसको स्टार मारा है सर, भारत के तो राष्ट्रपति लोकसभा के निर्वाचित द्वारा, राज्यसभा संसद सदस्यों द्वारा, ठीक? क्या आंसर इसका पता ही नहीं चला, सब आंसर हो सकता है। नहीं सर, डी नंबर होगा, लेकिन उसमें डी में फिर केंद्र शासित प्रदेश भी जोड़ना चाहिए था, दिल्ली और पुदुचेरी, संसद एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, प्लस कह सकते थे दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य भी, निर्वाचित सदस्य भी। निम्नलिखित में से कौन देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं किया जा सकता, इसमें कह रहा है किया जा सकता है, यानी इसमें कह रहा है ना सर, पहला ऑप्शन है पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए बिल्कुल, जब तक नेक्स्ट राष्ट्रपति शपथ नहीं लेगा तब तक पूर्व राष्ट्रपति नहीं मतलब इस्तीफा नहीं देता है ना सर, ऐसा ना होता है, बिल्कुल ग्रहण करने के दिन से लेकर के जब तक उसका कार्यकाल है तब तक रहेगा। राष्ट्रपति तब तक अपना रहेगा। पद जी राष्ट्रपति अपना पद पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेगा, दिया हुआ ही है। देखिए राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति भी वह पद पर रहेगा बिल्कुल, उत्तराधिकारी जब तक नहीं आएगा उसका कार्यकाल जब तक शुरू नहीं होगा तब तक पूर्व राष्ट्रपति अपने पद पर रहेंगे। निर्वाचक मंडल में अपन ये तो बता ही दिया कि सर कि इसमें स्थगित नहीं किया जा सकता, अगर अपन होगा तो भी स्थगित नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता, जब तक कोई टेक ओवर ना कर लेगा तब तक रहेंगे, ठीक है? चलिए 24 नंबर प्रश्न करिए। भारत राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम पचास 50, पचास पचास हाँ पचास कोई पचास ऐसा ऑप्शन ही पचास नहीं है। पचास पचास जी पचास निर्वाचक प्रस्तावक, ठीक जी है? सर, और भारत के राष्ट्रपति 25 चुनाव के नंबर। निर्वाचक मंडल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल राज्य की जनसंख्या बटा राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुने 1000 होता है सर,
तो पहला तो गलत ही हो शिक्षा गया, 1,000 होता है, 100 नहीं होता। दूसरा कह रहा है, एक निर्वाचित संसद सदस्य के मत मूल बराबर होता है सभी निर्वाचित विधानसभा ये सही सदस्यों है, का मत मूल बटा ये सही निर्वाचित है। सदन सदस्यों की संख्या। जी सर, बल सही है, दूसरा सही है, केवल दो ही सही होगा, तीन तो होता ही नहीं सर। आखिरी चुनाव में 5,000 मतदान थे, ऐसा थोड़ी है। कब का चुनाव, कब आ रहा तू? अच्छा, 12वां चुनाव हुआ था उस समय, क्या 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुनाव हुआ ना उसके बाद ना, ये 15वां तो अभी ना चुना ही सर इनको द्रौपदी वोट का वैल्यू मुर्मू। इतना इतना था, 48 से 96 था। 2017 में जो हुआ रामनाथ कोविंद के लिए, उस समय कितना था, 48 से 96 मतदाता था टोटल, 5,000 नहीं था, 48 से 96 था। ठीक है, 26 नंबर। भारत अच्छा, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। दूसरा कह रहा है, लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट मूल के मूल से अधिक होता। नहीं सर, दोनों बराबर होता है। ये अधिक सही कैसे हो है, जाएगा, अधिक होता है। 26 का ये सही है, ये वाला सही है। हाँ ये आप सही है, ये जनसंख्या तो के सबको अनुपात में ऊपर बांटोगे तो जाहिर सी बात, उत्तर प्रदेश का विधायक का होगा, वोट का मूल बिहार का विधायक का मूल जनसंख्या से भी डिवाइड करता है, विधायक की संख्या। अलग ठीक है, यहाँ पे क्या होता होगा। है, यहाँ पे जनसंख्या बटे एमएलए गुने 1/1,000 ऐसे निकालता था। यूपी का जनसंख्या अलग होगा तो चाहे चल एमएलए से डिवाइड करेंगे अलग अलग निकलेगा ना, ताकि लोकसभा राज्यसभा के संसद का वोट का मूल्य मतलब बराबर कर दिया जाए, जितना निकलेगा सारे विधायक का वोट का वैल्यू उसको संसद के वोट का वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। अजीब निकालते हैं थोड़ा, लेकिन यहाँ पे दिया होगा सभी नहीं सर, राज्यों का वैसे विधान के दिया। निर्वाचन के मूल बटे पता है, यहाँ पे संसद के दोनों से बांट देंगे। अब इतना यहाँ पे वोट का वैल्यू निकल गया, एक वो वोट का वैल्यू निकला यहाँ पे उत्तर प्रदेश से आ गया, इतना बिहार से निकालेंगे, सभी राज्यों के वोट का वैल्यू जोड़ देंगे टोटल एमएलए का। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देंगे एमपी से, एमपी में कौन हो जाएगा, एलएस प्लस आरएस आ जाएगा। ठीक है, तब जी सर, जाके एगो विधायक एगो किसका वोट का वैल्यू निकलेगा, अच्छा एगो एमपी का वोट का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, और एगो विधायक का वोट का वैल्यू तो ऑलरेडी निकला हुआ ही है। ठीक है, ऐसे करेंगे, समझ गए। जी सर, दोनों सदनों का प्रत्येक सदस्य का मत का मूल्य मतलब 708 होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है, यदि वह विधान परिषद से आएगा विधानमंडल तो कहाँ से के करेगा, निम्न सदन का सदस्य, उच्च सदन का सदस्य होगा। बिल्कुल उस जी, सदन विधान का होगा तो परिषद नहीं कर का सदस्य। सकता। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य संख्या संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त बोला फल जनसंख्या के भागफल। तहत किसको के, ये 2026 तक कुछ चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, 1971 के लिया था, 2026 में जाके नया का परिसीमन आएगा, उसी समय चेंज होगा। देखिए दिया होगा 2026 के बाद। जी ठीक है, सर, सर थोड़ा देर ठीक है, पढ़िए ठीक सर, आ रहे हैं, 1 सेकेंड। है, चलिए इसको इसको खत्म कर देते। कितना क्वेश्चन प्रेसिडेंट में, बहुत है। ठीक है, कल कंटिन्यू करेंगे, इसको यहीं पे स्किप करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट को कल सवेरे कंप्लीट कर लेंगे, जितना तक हुआ उससे आगे प्रेसिडेंट को कल कंप्लीट करेंगे, इसको यहीं पे स्किप करते हैं। ठीक है।